बुकलेट में नहीं है एक्चुअली, वो इंजीनियरिंग वाले पार्ट में होता है। लैंग्वेज में क्वेश्चंस आता है या नहीं वो आइडिया नहीं है मेरे को, बट देखो एक बार बता देते हैं, छोटा सा टॉपिक ही है। ठीक है, लैंगमायर एड्स ऑप्शन आइसोथर्म। ठीक है, तो इसके भी कुछ कुछ पोस्टुलेट्स है लैंगमायर का। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही ये एडसॉर्प्शन आइसोथर्म बनता है। तो पहला ये है कि इट इज बेस्ड ऑन केटीजी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के ऊपर बेस्ड है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। दूसरा, इसमें ये बोला गया है, ये एजम्पशन लिया गया है, इसमें पोस्टुलेट में ये एजम्पशन लिया गया है, एवरी एडसॉर्प्शन साइट इज इक्विवेलेंट। ठीक है, हर एक एडसॉर्प्शन ओके साइट जो है ये इक्विवेलेंट है। तीसरा, एडसॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ ए साइट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेदर और नॉट नियर बाय साइट्स आर ऑक्यूपाइड। ठीक है, यहाँ पे ये बोला गया कि एडसॉर्प्शन कैपेसिटी जो है हर एक साइट का वो इंडिपेंडेंट है, दूसरा साइट ऑक्यूपाइड है या नहीं है उस पर डिपेंड नहीं करेगा। ये म्यूट कर लो जिसका भी अनम्यूटेड है। आदित्य गौतम, नहीं आदित्य पहले पहले आदित्य आवाज आ रहा है तुम लोगों को? यस सर चलो ठीक है, तो तीसरा ये है, कोई उसको बोलो अनम्यूट करेगा वो। ठीक है, सॉरी म्यूट कर लेगा अपने आपको। एडसॉर्प्शन एंड डिसऑप्शन, एडसॉर्प्शन एंड डिसऑप्शन बोथ आर टेकिंग प्लेस साइमल्टेनियसली। ठीक है, ये सारे एडसॉर्प्शन बाद एंड डिसऑप्शन बोथ आर टेकिंग प्लेस साइमल्टेनियसली, ये पोस्टुलेट बस ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पे एडसॉर्प्शन और डिसऑप्शन दोनों साइमल्टेनियसली हो रहा होगा, तो यहाँ पे एक्चुअली एक इक्विलिब्रियम स्टेट स्टेब्लिश होता है। ठीक है, उसको हम लोग डायनेमिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो फाइनली ये डायनेमिक ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, फाइनली ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम इज स्टेब्लिश्ड या अचीव्ड बिटवीन These two opposing forces। ठीक है, ये जो अपोजिंग फोर्सेस है ना, कौन कौन सा अपोजिंग फोर्सेस यहाँ काम कर रहा है? एक एडसॉर्प्शन और डिसऑप्शन, इन दोनों के बीच में एक अपोज, ये दोनों एक दूसरे का अपोजिंग टेंडेंसी है ना, इन दोनों के बीच में एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश होता है। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे एक्सप्लेन करते हैं कि रेट ऑफ एडसॉर्प्शन जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बोलते हैं हम लोग फ्रैक्शन ऑफ अनऑक्युपाइड साइट्स। ठीक है, मतलब जो साइट्स अनऑक्युपाइड वैकेंट पड़ा हुआ होगा, रेट ऑफ एडसॉर्प्शन जो है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और रेट ऑफ डिसऑप्शन जो है, ठीक है, रेट ऑफ डिसऑप्शन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे किस किसके साथ होगा? फ्रैक्शन ऑफ ऑक्युपाइड साइट्स। तो जो ऑक्युपाइड साइट्स है वहां से ही डिसऑप्शन हो सकता है ना, तो रेट ऑफ डिसऑप्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रैक्शन ऑफ ऑक्यूपाइड साइट्स। तो इसके अकॉर्डिंग एक रिलेशन आता है। ठीक है, एक्स बाय एम जिसको हम लोग एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन बोलते हैं, ये इक्वल टू होता है एक्स बाय एम इज इक्वल टू, ये होता है ए इंटू पी
बाय वन प्लस बी इंटू पी, ये रिलेशन आता है इस, बस ये रिलेशन ध्यान रखना है। यहाँ एक्स बाय एम है एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन, और ए और बी क्या है कॉन्स्टेंट्स, ठीक है, ए और बी कॉन्स्टेंट है यहाँ पे, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ सॉलिड और गैस, सॉलिड या गैस के नेचर पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, उसके बेसिस पे ये ए और बी कांस्टेंट बोला गया, ठीक है। तो रिलेशन यहाँ पे एक्स वाई एम एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन है, पी प्रेशर को डिनोट कर रहा है, और ए और बी क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है। पी है इक्विलिब्रियम प्रेशर, जिस प्रेशर पे इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हुआ है, किसके किसके बीच में, एड्सॉर्प्शन और डिसऑर्प्शन के बीच में इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसको प्लॉटिंग करना चाहें एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन को, ठीक है, तो ये हम लोग ऐसे उल्टा करके लिख सकते हैं। देखो m बाय x अगर इसको कर लें, ये ग्राफ को, ये इक्वेशन को m बाय x अगर कर लें, तो ये क्या आ जाएगा, वन बाय बी पी, बी इंटू पी बाय ए इंटू पी, ठीक है। अब इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि वन बाय, चलो यहाँ पे डिवाइड अगर करोगे तो b बाय ए प्लस इधर क्या आ गया, वन बाय ए इंटू वन बाय पी, ठीक है। ये ऐसे लिख सकते हैं हम लोग कि ये सिंप्लीफाई करके इसको लिख लिए, m बाय एक्स ये क्या आ गया, डेट इज इक्वल टू b बाय ए प्लस वन बाय ए इंटू वन बाय पी, ठीक है। तो ये रिलेशन, अब यहाँ पे इसी का प्लॉटिंग किया जाता है, ये जो y एक्सिस पे इसको लेंगे हम लोग, और यहाँ x एक्सिस पे हम लोग किसके बीच में ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, ये वन बाय पी, ठीक है, y वर्सेस ये m by x versus 1 by p का ग्राफ प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो ये y equal to mx plus c वाला ग्राफ आएगा क्या, देखो तो y equal to ये वाला हो गया कांस्टेंट, जिसको हम लोग y इंटरसेप्ट बोल सकते हैं, c हो गया, और यहाँ पे m क्या हो गया, स्लोप, स्लोप अगर इस ग्राफ का पूछा जाएगा तुमसे, स्लोप इस इक्वेशन का, तो ये क्या आ जाएगा 1 by a। ग्राफ अगर हम लोग प्लॉट करें, किसके किसके बीच में ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, ये m by x है, ठीक है, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन का ही उल्टा हो गया, और यहाँ पे हम लोग x एक्सिस पे 1 by p ले रहे हैं, तो इसका नेचर कैसा आएगा बताओ, पॉजिटिव स्लोप होगा या नेगेटिव स्लोप, पॉजिटिव स्लोप होगा, और ये ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होके कुछ y इंटरसेप्ट के वैल्यू से स्टार्ट होगा, ठीक है। अब यहाँ से ये वाला जो पोर्शन हो जाएगा, ये y इंटरसेप्ट, ये क्या हो गया, b by a हो गया, और इस ग्राफ का अगर तुमसे स्लोप पूछा जाए तो स्लोप का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये 1 by a, ठीक है। तो ये ग्राफ का नेचर आ गया। अब एक्चुअली देखो फ्रेंडली एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म जो हम लोग इससे पहले वाले में पढ़े थे वो एक स्पेशल केस है, ये लैंगमुइर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म का, लैंगमुइर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म से ही फ्रेंडली एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म डिराइव हुआ है, ये देखो कैसे। तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि ये वाला इक्वेशन जो है ये क्या है, कैसे प्रूव कर सकते हैं इसको हम लोग, ठीक है। यहाँ पे जैसे इस टाइप का अगर तुमसे बोल दिया जाए कि क्वेश्चन है इस टाइप का कि प्रूव दैट फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म इस स्पेशल केस ऑफ लैंगमुइर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, ठीक है, ये हमको प्रूव करना है। तो फ्रेंडली एड्सॉर्प्शन थर्म जो है, एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म जो है, ये इसका स्पेशल केस है। तो कैसे हम लोग कर सकते हैं, तो लैंगमुइर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म का इक्वेशन लिखो पहले, एक्स बाय एम इक्वल टू ए इंटू पी बाय वन प्लस बी इंटू पी, ठीक है। तो वहां पे क्या था, फ्रेंडली एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म में याद करो वो क्या बोला था कि जब लो प्रेशर होगा तो लो प्रेशर रेंज में क्या होता है कि एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर आता था, लेकिन हाई प्रेशर रेंज में इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाने के बाद जैसे ही प्रेशर बहुत ज्यादा हाई हो गया उसके बाद एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन जो है वो प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता था, वही था ना। तो यहाँ भी उसी चीज को हमको प्रूव करना है। केस वन हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, केस वन है व्हेन पी इज वेरी हाई, तो प्रेशर का वैल्यू बहुत हाई है, तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि पी का वैल्यू अगर हाई है तो एक्स बाय एम किसका इक्वल हो जाएगा, पी बहुत ज्यादा हाई होगा,
तो पी का वैल्यू हाई है तो नीचे वाला क्या बचेगा बताओ यहाँ पे, इसको हम लोग ये तुम अप्रोक्सीमेशन लेने आता है ना। हेलो, सर ठीक है, पी का वैल्यू बहुत हाई है तो यहाँ पे इस इक्वेशन में क्या बचेगा बताओ, ये वाले इक्वेशन में देखो क्या बचेगा, किसका इक्वल बचेगा पी अगर बहुत, ये वाला इक्वेशन आया है ना, तो इसमें देखो पी का वैल्यू अगर बहुत ही हाई होगा तो 1/p का वैल्यू क्या हो जाएगा, वो पी का वैल्यू बहुत हाई है मतलब उसको हम लोग क्लोज टू इन्फिनिटी अगर मान लो एज्यूम करते हैं, ठीक है, मतलब इसके रेस्पेक्ट में वन, इसको नियरली हम लोग 1/p को नियरली क्या एज्यूम कर सकते हैं, जीरो जीरो एज्यूम कर सकते हैं। सर का आवाज नहीं आ रहा है, का आवाज चला गया। सुधांशु क्लास क्या हुआ, क्या चीज, क्लास क्या क्लास, सर कहाँ गए, वही पूछ रहे हैं। आवाज नहीं आ रहा है। देखना सर अभी बोलेंगे तुम लोग कहाँ चला जाता है। सर आप ही कहाँ कहाँ चल जाते हैं। चले गए। हाँ अरे भाई जो आज टॉपिक शुरू करने वाले हैं कैटालिसिस, हाँ तो क्या हुआ, वो टॉपिक तो डिलीटेड बता रहा है अरे बोर्ड की छोड़ो तरफ ना वो से। बोर्ड के लिए तुम मत सोचो उतना, नहीं बता रहे थे सर, बोले चेक करने, तुम चेक कर ली, पढ़ेंगे ना सर वो टॉपिक, पढ़ाएंगे नहीं सब पढ़ाएंगे। वही तो बोल रहे हैं। बायो मॉलिक्यूल्स का एंजाइम पढ़ा होगा तो सब आसान लगेगा। कौन कैटालिसिस कैटालिसिस पढ़ लेंगे तो नहीं, तो कैटालिसिस आसान लगेगा। अरे तो ये अलग कैटालिसिस है ना, इसमें होगा यूज का यूज। भाई है तो रिएक्शन है ना, चाहे शरीर में हो चाहे बाहर हो। कोई सर को इनविटेशन लिंक भेजो या सुधांशु। अरे उनके पास लिंक नहीं होगा क्या, आ जाएंगे तो चल हम चलते हैं, आएंगे कहाँ तो जा रहे, मैसेज रुक कर, आएंगे तो मैसेज कर देना। कहाँ जा रहे, रुक अच्छा ठीक है यहीं रहते हैं। तेरा नाम चेंज कर दिया आशुतोष। चैट वाला ऑप्शन सर लोग हटा दिया है ना, उसको ठीक करो तो। हाँ अरे आराम से रहो,
क्लास नहीं होगा क्या? हेलो हेलो, यस सर, आवाज आ रहा है क्या? नेटवर्क वो डिस्कनेक्ट हो गया था पूरा। आवाज आ रहा है सबको? हाँ सर आ रहा है। एक मिनट रुको। डिस्कनेक्ट हो गया था पूरा, कनेक्ट ही नहीं हो रहा था। चलो देख रहा है ना स्क्रीन अभी? यस सर। चलो तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन ले रहे हैं कि व्हेन प्रेशर इज वेरी हाई, तो एक्स बाय एम को किसके इक्वल पुट कर सकते हैं? देखो ये प्रेशर अगर वेरी हाई होगा तो 1 बाय पी का वैल्यू नियरली इक्वल टू 0 ले सकते हैं हम लोग, अप्रोक्सीमेशन है। तो प्रेशर अगर बहुत हाई हो जाएगा वैल्यू, तो 1 बाय पी का वैल्यू अगर करोगे तो वो नियरली टेंडिंग टू 0 आएगा, है ना? टेंडिंग टू 0 उसको कंसिडर कर सकते हैं। और ये 1 बाय ए इंटू 0 अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला टर्म तो 0 हो जाएगा। तो x by m की बात कर रहे हैं, तो ये वाला टर्म 0 हो गया तो बचेगा तो ये तो कांस्टेंट ही है ना, तो x m by x का वैल्यू तो b by a ही बचेगा, तो x by m का वैल्यू क्या बचेगा? b by a, that is x by m, ये इक्वल टू a by b बचेगा ना। और a by b को हम लोग क्या मान सकते हैं? a by b कांस्टेंट ही है दोनों, a भी कांस्टेंट है और b भी कांस्टेंट है, ठीक है? तो यहाँ पे देखो आ गया ना कि जब प्रेशर का वैल्यू वेरी हाई है तो एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन ये क्या है? कांस्टेंट आ जा रहा है, वो प्रेशर के वैल्यू पे डिपेंड ही नहीं करेगा। क्या कि प्रेशर पे अगर डिपेंड नहीं करेगा मतलब x बाय m का वैल्यू क्या हो गया? कांस्टेंट है। प्रेशर का कुछ भी वैल्यू हो x बाय m कांस्टेंट रहेगा। केस 2 है कि व्हेन प्रेशर इज वेरी लो, किसका? आशुतोष म्यूट, आशुतोष म्यूट करो तुम, ठीक है? प्रेशर का वैल्यू क्या बोला गया है कि वेरी लो है, तो अगर प्रेशर का वैल्यू वेरी लो होगा तो x बाय m किसके इक्वल होगा बताओ? तो प्रेशर अगर बहुत ही कम होगा तो x बाय m किसके इक्वल हो जाएगा बताओ? जीरो। जीरो अप्रोक्सीमेशन लो, अप्रोक्सीमेशन कैसे करेंगे हम? इनफिनिटी। अरे यार यहाँ पे देखो ना प्रेशर का वैल्यू वेरी लो है, इसका मतलब टेंडिंग टू जीरो इसको पुट कर सकते हैं हम लोग। हाँ। पी को, तो पी अगर टेंडिंग टू जीरो हो गया तो बी इंटू जीरो क्या हो जाएगा? जीरो। तो वन में अगर जीरो ऐड करोगे तो नीचे तो वन ही बचेगा ना, और से ऊपर में भी ए इंटू जीरो हो जाएगा। ए इंटू जीरो क्यों? ये हम लोग पी का वैल्यू क्या है, p का वैल्यू टेंडिंग टू जीरो है, वो किसके रेस्पेक्ट में? b से हम लोग कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना? तो ये हम लोग कर रहे हैं कि 1 के कंपैरिजन में हम लोग बात कर रहे हैं, वहां पे ऊपर में कोई वैल्यू थोड़ी है, समझ में आ रहा है ना? हम लोग ये पुट करेंगे, ये 1 प्लस p का वैल्यू अगर लो होगा, बहुत ही कम होगा, एग्जैक्टली जीरो नहीं है, टेंडिंग टू जीरो की बात कर रहे हैं, मान लो 0.0005 होगा, तो b से अगर वो मल्टीप्लाई करोगे तो और भी कम ही होते जाएगा ना, b तो कोई फाइनाइट वैल्यू होगा, है ना? b कांस्टेंट है तो वो कोई फाइनाइट वैल्यू, उससे अगर मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्या हो जाएगा? और भी कम होगा। और 1 से अगर हम लोग उसको कंपेयर कर रहे हैं तो 1 से कंपेयर करोगे तो 1 के रेस्पेक्ट में ये वाला वैल्यू क्या होगा? बहुत ही लो हम लोग मान सकते हैं। तो 1 प्लस bp को हम लोग नियरली किसके इक्वल मान सकते हैं? 1 के इक्वल मान सकते हैं। समझ में आ रहा है? ये अप्रोक्सीमेशन ऐसे लिया जाता है, 1 के रेस्पेक्ट में वहां पे बात करें, ऊपर कोई एडिशन करने वाला नहीं है। ऊपर b का वैल्यू पॉजिटिव में होगा कि नेगेटिव में? कोई पॉजिटिव वैल्यू ही होगा ना वो। तो सर अगर पॉजिटिव वैल्यू होगा और प्रेशर अगर बहुत कम है तब पर भी, तो 1 कैसे होगा? b मान लीजिए कोई ज्यादा ही वैल्यू हो तो? कितना भी ज्यादा वैल्यू हो p टेंडिंग टू 0 है। अच्छा समझ में आ रहा है, टेंडिंग टू जीरो, तो टेंडिंग टू जीरो है मतलब 1 के रेस्पेक्ट में वो क्या होगा? बहुत ही कम वैल्यू होगा, मतलब 1 के रेस्पेक्ट में उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे यही तो अप्रोक्सीमेशन लेना है कि p का वैल्यू बहुत ही लो है, तो p का वैल्यू अगर लो हो गया तो 1 प्लस bp को हम लोग नियरली किसके इक्वल मान सकते हैं? 1 के इक्वल मान सकते हैं। और ऊपर में कोई कंपेयर करने वाला, दो टर्म अवेलेबल नहीं है कि हम लोग कंपेयर करें, ऑब्वियसली p का वैल्यू जीरो नहीं है, एग्जैक्टली जीरो नहीं है, टेंडिंग टू जीरो है,
तो ऊपर वाला टर्म तो बचा ही रहेगा ना, ए इंटू पी, वहां हम लोग थोड़ी अप्रोक्सीमेशन ले पाएंगे। अगर कोई दूसरा टर्म ऊपर भी एडिशन वाला कोई टर्म रहता, वन प्लस ए पी रहता, तो फिर उसको हम लोग नियरली वन ले लेते हैं। समझ में आ रहा है ना, वहां पे तो कोई ए इंटू पी ही है बस, तो वहां तो किसी से कंपेयर नहीं कर सकते हम लोग। तो अगर पी का वैल्यू लो होगा तो एक्स बाय एम का वैल्यू देखो क्या आ गया, ए इंटू पी। तो ए इंटू पी देखोगे तो ये कैसा रिलेशन आ गया, ए तो कॉन्स्टेंट ही है, तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि एक्स बाय एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। मतलब अगर लो प्रेशर रेंज में होगा तो एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन जो होगा वो डायरेक्टली प्रेशर के साथ वैरी करेगा, लेकिन जब वही केस हाई प्रेशर में होगा तो एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन वो क्या हो गया, कॉन्स्टेंट हो गया। तो यही चीज हो रहा था, फ्रेंडली एड्सॉर्प्शन ऐसे था हमें हो रहा था ना, कि लोअर प्रेशर के रेंज में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला रिलेशन था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनैलिटी था वो, लेकिन जैसे ही हायर प्रेशर रेंज में हम लोग गए तो वो एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन जो है वो प्रेशर के साथ वेरी नहीं कर रहा था, वो ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट हो गया। ठीक है, तो यही इसलिए हम लोग बोलते हैं कि फ्रेंडली एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म जो है ये लैंगमुइर एड्सॉर्प्शन थर्म का एक स्पेशल केस है। ठीक है, तो यही है इसके बारे में, और कुछ तो है नहीं। तो देख लेना एक बार, अगर जरूरत पड़े क्वेश्चन आया होगा तो कर लेना, नहीं तो फिर ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया लैंगमुइर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में जा रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो इसमें पढ़ना है वो है कैटालिसिस। तो कैटालिसिस एक्चुअली एक है क्या, कैटालिसिस एक टर्म है, इसको हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, कैटालिसिस इज अ टर्म डिस्क्राइबिंग ए प्रोसेस इन विच द रेट और ऐसे बोल सकते हैं हम लोग, आउटकम द रेट और आउटकम ऑफ द रिएक्शन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्रेजेंस, ठीक है, ऑफ ए सब्सटेंस, इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ ए सब्सटेंस, और उस सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट बोलते हैं। ठीक है, जिस सब्सटेंस से रेट ऑफ रिएक्शन इन्फ्लुएंस हो रहा है उस सब्सटेंस को कैटलिस्ट बोलते हैं, जो कि कंज्यूम नहीं होता है, दैट इज नॉट कंज्यूम ड्यूरिंग द रिएक्शन। ठीक है, दैट इज नॉट कंज्यूम ड्यूरिंग द रिएक्शन। तो इसको, ये पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे जिस प्रोसेस में कैटलिस्ट का यूज हो रहा होगा, वो आइदर रेट ऑफ, देखो दो टाइप का कैटलिस्ट होता है, कुछ कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को पॉजिटिवली इम्पैक्ट करता है, पॉजिटिव कैटलिस्ट भी होता है और नेगेटिवली भी इम्पैक्ट करता है। ठीक है, तो नेगेटिव कैटलिस्ट भी होता है, तो वो रेट को इन्फ्लुएंस कर रहा है, या रेट या आउटकम ऑफ द रिएक्शन को इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो उस पूरे होल प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कैटालिसिस, एक जनरल टर्म है जिस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कैटालिसिस। ठीक है, अब बहुत सारे रिएक्शंस देखे होंगे कि इनिशियली अगर कैटलिस्ट का रोल क्या है, तो वही बताए कि वो पॉजिटिवली भी इम्पैक्ट करता है रिएक्शन को, नेगेटिवली भी इम्पैक्ट कर सकता है। तो नेगेटिवली अगर इम्पैक्ट करेगा तो उसको नेगेटिव कैटलिस्ट बोलेंगे, पॉजिटिवली अगर इम्पैक्ट कर रहा है तो वो पॉजिटिव कैटलिस्ट। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना, वो एग्जांपल हम लोग देखेंगे आगे। तो यहाँ पे फेज के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ फेज, ऑन द बेसिस ऑफ फेज ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स, ठीक है, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के फेज के बेसिस पे दो टाइप का कैटालिसिस हम लोग बोल सकते हैं, या दो टाइप के कैटलिस्ट बोल सकते हैं। एक होता है हेटरोजीनियस, या सबसे पहले देखो होमोजीनियस कैटालिसिस, होमोजीनियस कैटालिसिस का मतलब क्या हुआ कि जो कैटलिस्ट हम लोग यूज कर रहे हैं ना, वो कैटलिस्ट का फेज जो है ना वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के फेज के इक्वल है, मतलब फेज के इक्वल है मतलब क्या, सेम फेज में है, जिस फेज में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है, ठीक है, उसी फेज में हमारा कैटलिस्ट भी है, तो उसको हम लोग बोलते हैं होमोजेनियस कैटालिसिस। तो इसको अगर डिफाइन करना हो तो ऐसा लिख सकते हैं हम लोग कि व्हेन द रिएक्टेंट्स एंड द कैटलिस्ट, ठीक है, reactants and the catalyst are in the same phase, are in the same phase, phase का मतलब solid, liquid या gas, ठीक है,
उस फेज से मतलब है। तो सेम फेज में अगर होगा तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, द प्रोसेस इज टर्म्ड एज होमोजेनियस कैटालिसिस। इस पूरे प्रोसेस को बोलेंगे हम लोग होमोजेनियस कैटालिसिस। बहुत सारे एग्जांपल है होमोजेनियस कैटालिसिस के, जैसे एग्जांपल ले रहे हैं ठीक है, एनसीईआरटी में देखना तुम लोग, बहुत सारे एग्जांपल्स गिवन है। जैसे एक एग्जांपल ले रहे हैं 2SO2 गैस प्लस O2 गैस, इसमें प्रोडक्ट का भी सेम फेज होगा। हाँ, प्रोडक्ट भी जो आएगा वो सेम फेज में होगा ठीक है। यहाँ पे कैटलिस्ट जो यूज कर रहे हैं हम लोग वो NO यूज कर रहे हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड यूज कर रहे हैं। तो देखो रिएक्टेंट का जो फेज और यहाँ जो प्रोडक्ट हमारा बनता है 2SO3 गैस, तो यहाँ देखो सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट वो सारे गैसियस फेज में ही है, और जो कैटलिस्ट हम लोग यूज कर रहे हैं वो भी गैसियस फेज का ही। तो इसको हम लोग बोलते हैं होमोजेनियस कैटालिसिस। एक और एग्जाम्पल अगर ले तो जैसे C12H22O11, ये एक्वस फेज में है, इसका हम लोग हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं ठीक है, एसिडिक मीडियम में, एसिडिक मीडियम में कर रहे हैं। तो H प्लस भी एक्वस फेज में ही लेंगे, यहाँ क्या प्रोडक्ट बनता है C6H12O6, ये एक्वस है, एक ग्लूकोज बनता है और दूसरा फ्रुक्टोज बनता है, फ्रुक्टोज का भी यही फॉर्मूला है ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हो ना सारा जितना भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट है सारा एक्वस फेज में ही, और जो कैटलिस्ट हम लोग यूज किए एसिडिक मीडियम में वो भी एक्वस फेज में ही रहेगा। तो इस टाइप के एग्जाम्पल को या इस टाइप के कैटालिसिस को हम लोग बोलेंगे, ये किसका एग्जाम्पल हो गया होमोजेनियस कैटालिसिस। इसका जस्ट उल्टा होता है हेट्रोजेनियस। हेट्रोजेनियस का मतलब क्या हो जाएगा कि जो कैटलिस्ट हम लोग यूज कर रहे हैं उसका फेज जो होगा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के फेज से क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो वो हम लिख रहे ही रहे डेफिनेशन, वो जस्ट खुद से भी लिख सकते हो कि व्हेन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर इन डिफरेंट फेज देन द फेज ऑफ द कैटलिस्ट, तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे हेट्रोजेनियस कैटालिसिस। तो हेट्रोजेनियस कैटालिसिस का भी बहुत सारे एग्जाम्पल तुम लोग ऑलरेडी पहले ही देखे होगा, जैसे N2 गैस प्लस 3H2 गैस ठीक है, अमोनिया गैस का जो फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे Fe यूज करते हैं हम लोग, Fe के तो 2NH3 गैस। तो यहाँ देख रहा हूँ ना Fe जो यूज करेंगे ये सॉलिड, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का फेस तो गैसियस है बट कैटलिस्ट जो यूज कर रहे हैं वो सॉलिड फेस, तो ये हो गया हेट्रोजीनियस कैटल। और भी एग्जाम्पल जैसे अमोनिया गैस का ऑक्सीडेशन हम लोग कर रहे हैं ठीक है 5O2, ये भी प्लेटिनम के सरफेस पे होता है, तो ये आ गया 4NO गैस और प्लस 6H2O गैस, तो ये हो गया हेट्रोजीनियस कैटालिसिस ठीक है, जहां पे कैटलिस्ट का फेज जो होगा वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट के फेज से डिफरेंट हो ठीक है। बहुत सारे एग्जांपल इसमें मिलेंगे तुम लोग, एनसीईआरटी में देखना बहुत सारा एग्जांपल दिया हुआ है बहुत सारे रिएक्शंस का। ठीक है चलो, ये तो एक क्लासिफिकेशन हो गया। दूसरा क्लासिफिकेशन जो होता है क्लासिफिकेशन टू, ये क्लासिफिकेशन है कि आइदर वो पॉजिटिवली कैटलिस्ट बताए थे जैसे कि पॉजिटिवली भी इंपैक्ट कर सकता है रेट को, रिएक्शन के रेट को, या नेगेटिवली भी इंपैक्ट कर सकता है। तो उसके हिसाब से पॉजिटिव कैटलिस्ट और नेगेटिव कैटलिस्ट दो होता है। तो अगर वो पॉजिटिवली इंपैक्ट कर रहा है रेट को तो वो पॉजिटिव कैटलिस्ट होगा। इसका एग्जाम्पल जैसे ये वाला रिएक्शन ले लें हम लोग, फर्स्ट वाला 2SO2 गैस प्लस O2 गैस ठीक है, इसका जब हम लोग प्लैटिनम के सरफेस पे होता है 2SO3, तो यहाँ पे प्लैटिनम जो यूज कर रहे हैं ये एक पॉजिटिव कैटलिस्ट की तरह बिहेव कर रहा है, मतलब ये रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करेगा, पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेगा, तो ये पॉजिटिव कैटलिस्ट हो गया ठीक है। दूसरा अगर नेगेटिव कैटलिस्ट का एग्जाम्पल अगर पूछा जाए, नेगेटिव कैटलिस्ट का कोई एग्जाम्पल, तो इसमें जैसे हम लोग ले सकते हैं कि H2O2 का, जब H2O2 का डिकम्पोजिशन होता है तो इसमें अगर हम लोग H3PO4 के प्रेजेंस में कराए या फिर ग्लाइसरोल के प्रेजेंस में कराओगे तो H2O2 कैसे डिकम्पोज होता है, वाटर और प्लस ऑक्सीजन में डिकम्पोज होता है ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे H3PO4 या ग्लाइसरोल जो है ये एक नेगेटिव कैटलिस्ट का रोल प्ले करता है यहाँ पे ठीक है, तो ये ध्यान देना कि पॉज। हाँ बोलो, नेगेटिव कैटलिस्ट यूज क्यों करते हैं, वो तो रिएक्शन को धीरे कर देता है ना। एक्चुअली वो नेगेटिव कैटलिस्ट जो है ना वो इम्प्योरिटी की तरह काम करता है ठीक है, यूज एक्चुअली हम लोग नहीं कर रहे हैं, वो एक इम्प्योरिटी की तरह प्रेजेंट होता है ठीक है।
इसमें एक और टर्म आता है ऑटो कैटलिस्ट, ऑटो कैटलिस्ट का मतलब क्या हुआ कि प्रोडक्ट जो बन रहा है ना, प्रोडक्ट इटसेल्फ एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट, ठीक है, प्रोडक्ट इटसेल्फ एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट, मतलब जो प्रोडक्ट जैसे जैसे प्रोडक्ट फॉर्म होते जा रहा है ना, तो वो प्रोडक्ट ही एक कैटलिस्ट की तरह काम करेगा, तो उसको हम लोग ऑटो कैटलिस्ट बोलते हैं। जैसे एक एग्जांपल, जैसे सर जैसे वो बनते जाएगा और वो रिएक्शन को और स्पीड करते चल जाएगा ना, हाँ, तो ऑटो कैटलिस्ट। जैसे KMnO4 का हम लोग ऑक्सैलिक एसिड के साथ रिएक्शन करा रहे हैं इन प्रेजेंस इन एसिडिक मीडियम, तो यहाँ पे जो है ये रिएक्शन का प्रोडक्ट आता है K2SO4 प्लस MnSO4 प्लस CO2 प्लस H2O। तो यहाँ पे MnSO4 जो है ना, ये ऑटो कैटलिस्ट का रोल प्ले कर रहा है। जैसे जैसे MnSO4 का कंसेंट्रेशन बढ़ते जाएगा, वो रेट ऑफ रिएक्शन भी धीरे धीरे इंक्रीज होते जाएगा, तो ये प्रोडक्ट ही जो है कैटलिस्ट की तरह रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। तो इस टाइप के रिएक्शन को या इस पूरे टाइप के रिएक्शन को हम लोग ऑटो कैटालाइसिस बोलते हैं, ठीक है। और जो ऑटो जो प्रोडक्ट कैटलिस्ट की तरह बिहेव करेगा वो ऑटो कैटलिस्ट है। हाँ बोलो सर, ये रिएक्शन तो रुकता नहीं होगा ना, ये तो मैंने किया, वो तो कैटलिस्ट हो रहा है तो फिर वो तो बनते चल जाता होगा। क्यों नहीं रुकेगा, रिवर्सिबल रिएक्शन थोड़ी है, कभी ना कभी रिएक्टेंट तो खत्म होगा ना। रिएक्टेंट जब खत्म हो जाएगा तो रिएक्शन रुक जाएगा, ठीक है। अब जैसे स्टेरिफिकेशन रिएक्शन है, स्टेरिफिकेशन रिएक्शन में ये पढ़े होगे तुम लोग, CH3COH और C2H5OH बनता है, एसिड प्लस अल्कोहल बनता है। स्टेरिफिकेशन का हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं हम लोग, ईस्टर का हाइड्रोलिसिस एसिडिक मीडियम में होता है। तो यहाँ पे एक्चुअली जो ये जो है ना CH3OH, तो ये यहाँ पे ऑटो कैटलिस्ट की तरह काम करता है, क्योंकि एसिडिक मीडियम में ये स्पीड अप द रिएक्शन और भी फास्ट होते जा रहा है। तो CH3OH जैसे जैसे बनते जाएगा, तो वो एक एसिड है ना, एसिटिक एसिड है, तो एसिड का कंसेंट्रेशन जैसे जैसे बढ़ते जाएगा तो वहां पे क्या होगा, वो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होते जा रहा है, ठीक है। तो ये सारे ऑटो कैटलिस्ट के एग्जांपल हो गए। एक और एग्जांपल होता है जैसे Cu प्लस HNO3 हम लोग करा रहे हैं, तो यहाँ पे देखोगे ये CuNO3 होल ट्वाइस प्लस HNO2 प्लस H2, तो ये किसकी तरह काम कर रहा है, यहाँ पे HNO2 जो है ये ऑटो कैटलिस्ट का काम करता है, ठीक है। HNO2 कौन सा एसिड है, नाइट्रस एसिड, तो नाइट्रस एसिड यहाँ पे ऑटो कैटलिस्ट की तरह काम करता है, ठीक है। तो ये सारे टर्म बस ध्यान रखना। इससे में एक और टर्म आता है इंड्यूस्ड कैटालिसिस। इंड्यूस्ड कैटालिसिस का मतलब क्या हुआ कि दो रिएक्टेंट वहां पे होगा, दो साइमल्टेनियस दो रिएक्शन हो रहा होगा, तो वहां पे देखो जैसे एक एग्जांपल बता रहा हूं, Na2AsO3 और प्लस O2। तो अगर सिंपली ये रिएक्शन कराएंगे हम लोग, यार सोडियम का आर्सेनिक के साथ ये प्रोडक्ट है, ठीक है, तो ये वाला रिएक्शन कराओगे ना शुरुआत में, सिर्फ अगर ये रिएक्शन कराओगे तो ये रिएक्शन ऑटोमेटिकली खुद नहीं होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, ये नॉन स्पॉन्टेनियस है। बट इसी रिएक्शन को अगर हम लोग इसके प्रेजेंस में कराएंगे Na2SO3 और प्लस O2 और ये Na2SO4 बन रहा है, ये दोनों अगर रिएक्शन, ये तो अपने आप होता है, ठीक है, तो ये दोनों रिएक्शन अगर साथ में कराओगे तो इसके साथ ये रिएक्शन खुद होने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये है, इस टाइप के एग्जांपल को हम लोग बोलते हैं इंड्यूस्ड कैटालिसिस, कि इसमें शुरुआत में अगर सिर्फ पहला वाला रिएक्शन कराओगे तो वो खुद नहीं होगा, लेकिन दूसरे वाले रिएक्शन के प्रेजेंस में अगर कराओगे पहला वाला रिएक्शन, तो वो पहला वाला रिएक्शन भी स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। तो इस टाइप को हम लोग बोलते हैं इंड्यूस्ड कैटालिसिस। सर इसमें इंटायर रिएक्शन ही कैटालिस्ट के लिए काम कर रहा है। हाँ, दूसरा वाला रिएक्शन ही वो पहले वाले रिएक्शन के लिए कैटलिस्ट की तरह काम कर रहे हैं, ठीक है। इसको हम लोग इंड्यूस्ड कैटलिस्ट। प्रोडक्ट मिलने जाता होगा सर? नहीं नहीं, नेचर अलग अलग होता है ना, ठीक है। तो ये है इंड्यूस्ड कैटालिसिस का एग्जांपल। ये सारे टर्म्स हैं, बस ध्यान रखना है कि इसमें एक टर्म आता है प्रोमोटर।
बहुत सारे कैटलिस्ट वाले रिएक्शन में देखे होगा, एक टर्म आता है प्रोमोटर, या उसको हम लोग एक्टिवेटर बोलते हैं, सुने होगा ना, प्रोमोटर की तरह काम करता है। तो एक्चुअली प्रोमोटर या एक्टिवेटर क्या है, मतलब इसको हम लोग बोलते हैं कि द सब्सटेंसेस, ऐसे डिफाइन करते हैं द सब्सटेंसेस विच आर नॉट द कैटलिस्ट। प्रोमोटर जो है वो कैटलिस्ट नहीं है, बट इट्स प्रेजेंस इंक्रीजेस द कैटालाइटिक एक्टिविटी, ठीक है, कैटालाइटिक एक्टिविटी ऑफ द कैटलिस्ट बाय इंक्रीजिंग द एक्टिव साइट्स और by increasing the surface area of the catalysts, ठीक है। तो promoter और activator, देखो दोनों same term है, तो promoter और activator actually catalyst नहीं होता है, वो क्या, उसका काम क्या है, जो catalyst हम लोग use कर रहे हैं उसके activity को enhance करना है, उसके एक्टिविटी को, उसके काम करने के कैपेसिटी को एनहांस करना है, ठीक है। वो कैसे करता है, तो कैटलिस्ट को एक्टिवेट करता है, उसके साइट्स को एक्टिवेट करता है, या फिर कैटलिस्ट के सरफेस एरिया को वो इंक्रीज करता है। तो उस टाइप के सब्सटेंस को हम लोग प्रोमोटर बोलते हैं। जैसे अमोनिया गैस का फॉर्मेशन जो होता है N2+3H2, तो इसमें हम लोग Fe जो है यहाँ पे ये कैटलिस्ट यूज करते हैं, ये अमोनिया गैस फॉर्म होता है। लेकिन इसमें सुने होंगे एक मॉलिब्डेनम हम लोग यूज करते हैं, जो कि किस MO मॉलिब्डेनम मेटल है, जो कि प्रोमोटर का रोल प्ले करता है। मॉलिब्डेनम का काम क्या है, वो Fe कैटलिस्ट के एक्टिविटी को वो इंक्रीज कर रहा है, तो इसको, उस टाइप का सब्सटेंस को हम लोग बोलते हैं प्रोमोटर। है ना, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो प्रोमोटर, और अगर वो प्रोमोटर कैटलिस्ट के एक्टिविटी को इंक्रीज कर रहा है, तो उसमें एक और टर्म आता है जिसको बोलते हैं कैटालाइटिक पॉइजन, कैटालाइटिक पॉइजन, या फिर इनहिबिटर बोलते हैं, या कैटालाइटिक इनहिबिटर, ऐसा लिख लो, कैटालाइटिक पॉइजन या फिर कैटालाइटिक इनहिबिटर। तो ये देखो नाम से ही पता चल रहा होगा कि कैटालिटिक, वो प्रोमोटर क्या कर रहा था, कैटलिस्ट के एक्टिविटी को एनहांस कर रहा था, लेकिन यहाँ कैटालिटिक इनहिबिटर या पॉइजन क्या करेगा, कैटलिस्ट के एक्टिविटी को वो कम करेगा और कम करते जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग पॉइजन भी बोलते हैं या कैटालाइटिक इनहिबिटर भी बोलते हैं। जैसे इसका एग्जांपल होता है RCOCl, ये एसिड क्लोराइड है, और इसका हाइड्रोजन के प्रेजेंस से कराओगे तो यहाँ पे जो पैलेडियम और प्लस BaSO4 जो यूज करते हैं हम लोग, ठीक है, तो ये तो कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पे जो क्विनोलिन हम लोग यूज करते हैं इसके साथ, ठीक है, RCOOH, ठीक है, ये प्रोडक्ट बनता है, एल्डिहाइड बनता है इसके, इसमें ये क्विनोलिन जो यहाँ पे यूज किया जाता है इस रिएक्शन में, ये कैटालाइटिक पॉइजन की तरह काम करता है, ठीक है, कैटालाइटिक पॉइजन की तरह। ये रिएजेंट है, पूरा रिएजेंट साथ में यूज होता है, तो पैलेडियम और BaSO4 वो कैटलिस्ट है, लेकिन उसके साथ जो क्विनोलिन यूज कर रहे हैं वो किसकी तरह काम करेगा, कैटालाइटिक पॉइजन, मतलब वो उसके एक्टिविटी को और कम करते जाएगा, ठीक है, उसके एक्टिविटी को और ये कम करते जाएगा। प्रोमोटर क्या कर रहा था, उसके एक्टिविटी कैटलिस्ट के एक्टिविटी को एनहांस कर रहा था, लेकिन पॉइजन क्या करता है या कैटालिटिक इनहिबिटर क्या करता है, उसके एक्टिविटी को वो डिग्रेड करता है, ठीक है। तो ये सारे टर्म्स हैं रिलेटेड कैटलिस्ट से रिलेटेड। ठीक है, तो देखो इसमें कोई डाउट है यहाँ तक किसी को, नहीं, जस्ट थियोरेटिकल है, सारे टर्म्स को बस ध्यान रखते जाना है इसमें। ठीक है, चलो इसके बाद नेक्स्ट इसमें हम लोग देख लेते हैं, एडसॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेट्रोजीनियस कैटालिसिस, ये इंपॉर्टेंट है इसमें। एडसॉर्प्शन
एक्चुअली कैटालिसिस जो होता है, हेटरोजेनियस कैटालिसिस जो होता है, उसमें भी एडसॉर्प्शन थ्योरी यूज होता है. ठीक है, ठीक है, एडसॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेटरोजेनियस कैटालिसिस. उसमें एक्चुअली देखो कैसे इसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, टोटल 5 स्टेप में होता है. ठीक है, ये लिख रहे हैं, ठीक है, फिर इसको एक्सप्लेन करते हैं. तो एक्चुअली क्या होता है, सबसे पहला स्टेप जो होता है मैकेनिज्म होता है एक्चुअली, ये इसमें टोटल 5 स्टेप्स होते हैं. ठीक है, तो इसको ऐसे लिख रहे हैं कि द मैकेनिज्म इन्वॉल्व्स फाइव स्टेप्स, टोटल 5 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं. पहला स्टेप जो है ये है डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट्स टू द सर्फेस ऑफ कैटलिस्ट. तो पहला स्टेप यही होता है कि रिएक्टेंट के जो मॉलिक्यूल्स है ना वो कैटलिस्ट के सर्फेस पे डिफ्यूज होते हैं, मतलब उसकी तरफ जाते हैं. ठीक है, डिफ्यूज होने का मतलब उसके सर्फेस की तरफ वो जा रहा है. ठीक है, सेकेंड प्रोसेस क्या होता है, एडसॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स. ठीक है, यह प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना. एडसॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स ऑन द सर्फेस ऑफ कैटलिस्ट. ठीक है, ऑन द सर्फेस ऑफ कैटलिस्ट, यह सेकेंड स्टेप है, एडसॉर्प्शन हो रहा है. तीसरा क्या होगा, occurrence of chemical reaction, occurrence of chemical reaction on the catalyst surface, catalyst के surface पे एक chemical reaction हो रहा होगा, reactant molecules और catalyst के surface के बीच में एक chemical reaction होता है on the catalyst surface. ठीक है, sir, through the formation of an intermediate. बोलो सर, ये सरफेस ऑफ कैटलिस्ट नहीं समझ में आ रहा क्या होता है. अरे कैटलिस्ट जो यूज करेंगे ना उसका तो सरफेस होगा ना, टॉप मोस्ट लेयर. अच्छा हाँ, तो उसी को सरफेस बोलते हैं हम लोग, टॉप मोस्ट लेयर. क्या हो रहा है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स जो है कैटलिस्ट के सरफेस पे पहले डिफ्यूज होता है, जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स है वो कैटलिस्ट की तरह पहले डिफ्यूज होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कैटलिस्ट के सरफेस पे, जैसे यहाँ पे देखो अमोनिया गैस का फॉर्मेशन है, यहाँ Fe जो है कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है, तो Fe सॉलिड फॉर्म में होता है तो उसका ऑब्वियसली उसका सरफेस होगा ना. तो सेकंड स्टेप में क्या होगा कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स जो है उसके सरफेस की तरफ एड्सॉर्ब होंगे. तीसरा होगा कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में केमिकल रिएक्शन होगा, कैटलिस्ट के सर्फेस पे ही होगा और वहां पर एक इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा. ठीक है, थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट. और फोर्थ स्टेप क्या है, डिसॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट, और रिएक्शन होने के बाद ऑब्वियसली वहां पे एक प्रोडक्ट बनेगा. ठीक है, तो फोर्थ स्टेप में क्या होता है कि डिसॉर्प्शन होता है रिएक्शन प्रोडक्ट्स फ्रॉम द कैटलिस्ट सरफेस, फ्रॉम द कैटलिस्ट सरफेस. ठीक है, और जैसे ही रिएक्शन प्रोडक्ट कैटलिस्ट सरफेस से रिमूव हो जाएगा तो वापस से फिर से कैटलिस्ट का सरफेस क्या हो गया, वैकेंट हो गया, मतलब फिर से दूसरे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल उस पे आके एड्सॉर्ब हो सकते हैं. और फिफ्थ जो होता है ये क्या होता है कि डिफ्यूजन ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट्स अवे फ्रॉम द कैटलिस्ट सरफेस. ठीक है, तो ये टोटल 5 स्टेप है. तो ये सारे देखो सीक्वेंस में होता है ऐसा, कैटलिस्ट का सरफेस जो होता है उस पर पहले रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज होते हैं, मतलब उसकी तरफ मूव कर रहे हैं वो. सेकंड केस में वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स उसके सरफेस पे एड्सॉर्ब हुए. तीसरे में एक केमिकल रिएक्शन हुआ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में और कैटलिस्ट के बीच में. ठीक है, एक इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हुआ. फोर्थ स्टेप में क्या हुआ, डिसॉर्प्शन हो गया, रिएक्शन प्रोडक्ट का जो प्रोडक्ट बना वो डिसॉर्प्शन हो रहा है, कैटलिस्ट के सरफेस से डिसॉर्ब हो रहा है. ठीक है, उससे दूर जा रहा है धीरे धीरे, मतलब एड्सॉर्प्शन का जस्ट उल्टा है डिसॉर्प्शन. और फिफ्थ स्टेप में रिएक्शन प्रोडक्ट जो है वो बिल्कुल बाहर निकल गए उससे. ठीक है, कैटलिस्ट के सरफेस से बाहर डिफ्यूज हो गए और वापस से फिर से कैटलिस्ट का सरफेस क्या हो गया, फ्री हो गया पूरा, और वापस से फिर से उस पर रिएक्शन हो सकता है.
क्लियर है ना? जैसे इसको हम लोग पिक्टोरियली अगर दिखाना चाहें तो पिक्टोरियली ऐसे दिखा सकते हैं कि जैसे मान लो ये कैटलिस्ट का सरफेस है, ठीक है, ये कैटलिस्ट का सरफेस है मान लेते हैं, और यहाँ पे रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स ए प्लस बी आपस में ये रिएक्ट करेंगे, ये रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स है। तो पहले केस में वही डिफ्यूजन होगा, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कैटलिस्ट के सरफेस की तरफ डिफ्यूज होंगे। नेक्स्ट क्या होता है कि इसका एड्सॉर्प्शन होता है, कैटलिस्ट के सरफेस पे ही एड्सॉर्ब होंगे, ठीक है। ये देखो कैटलिस्ट के सरफेस पे एड्सॉर्ब होंगे, मतलब यहाँ पे मान लो ए ए का आइटम आ गया, यहाँ पे बी का आइटम एड्सॉर्ब हो गया, ऐसे इसके सरफेस पे आ गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, एक इंटरमीडिएट केमिकल रिएक्शन होगा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में, और एक इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा, इंटरमीडिएट, ठीक है। ये जैसे ऐसे ड्रॉ कर रहे हम, तो इंटरमीडिएट देखो ये किस टाइप का बनता है, इंटरमीडिएट देखो रिएक्शन और प्रोडक्ट के बीच में एक इंटरमीडिएट बनता है, जो कि उसको आइसोलेट नहीं कर सकते हम लोग कभी भी, ये केमिकल काइनेटिक्स में भी हम लोग पढ़े थे, ठीक है। तो ये जैसे मान लो कैटलिस्ट भी उसमें इन्वॉल्व रहता है रिएक्शन में, कैटलिस्ट इनफैक्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है बट कंज्यूम नहीं होता है, ठीक है। वो देखेंगे हम लोग कि वापस वो फिर से फ्री हो जाता है, जितना यूज किए थे उतना वापस से वो रिकवर हो जाता है। तो एक्चुअली ये फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट है, यहाँ पे ये इंटरमीडिएट बना, ठीक है। और इसके बाद क्या होगा, फोर्थ स्टेप में जो बताए थे डिसॉर्प्शन हो जाता है, रिएक्शन प्रोडक्ट जो बनेगा ए और बी आपस में रिएक्ट जो किया है कैटलिस्ट के सर्फेस पे, और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये नेक्स्ट स्टेप में एक प्रोडक्ट यहाँ से निकल गया और ये ए और बी आपस में रिएक्ट करके मान लो ए बी प्रोडक्ट बना, ठीक है। तो प्रोडक्ट यहाँ से डिसॉर्ब हो गया, इसके सरफेस से निकल गया बाहर पूरी तरह से, तो इसको बोलते हैं डिसॉर्प्शन ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट फ्रॉम द कैटलिस्ट सरफेस। और फिफ्थ स्टेप में क्या होगा कि ये प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल्स जो है इसके सरफेस से बहुत दूर चले गए, मतलब पूरा डिफ्यूज आउट हो गया। अब वापस से देखो कैटलिस्ट का सरफेस क्या हो गया, पूरा फ्री हो गया ना, जैसे शुरुआत में लिए थे वो कैटलिस्ट का सरफेस पूरा फ्री हो गया बिल्कुल, ठीक है। यहाँ तीन तीन ही ले लो, ठीक है, इससे कंफ्यूजन नहीं होगा। जितना लिए थे इनिशियली उतना ही ये बचा हुआ है, उतना ही वापस से वो रिकवर हो गया। तो ये है एक्चुअली, ये पूरा प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं, कौन सा प्रोसेस है, ये एड्सॉर्प्शन प्रोसेस है, ठीक है। हेट्रोजीनियस कैटेलाइसिस में एड्सॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेट्रोजीनियस कैटेलाइसिस, हेट्रोजीनियस कैटेलाइसिस हम लोग इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे गैस का हम लोग एड्सॉर्प्शन देख रहे हैं, या गैस का रिएक्शन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स गैसियस फेज में है और वो किस पे एड्सॉर्ब हो रहा है, किसके सरफेस पे वो एड्सॉर्ब हो रहा है, कैटलिस्ट जो है हमारा वो सॉलिड के फॉर्म में है, ठीक है। तो हेट्रोजीनियस कैटेलाइसिस में ही मेनली ये वाला थ्योरी यूज किया जाता है। सर इसमें सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप में डिफरेंस क्या है? सेकंड स्टेप में केमिकल रिएक्शन हो रहा है ना सर, वो दोनों बस दिख रहा है कि ए बी में थर्ड वाला में बॉन्ड बना हुआ है। हाँ, तो बॉन्ड बना हुआ है वो इंटरमीडिएट, वहां पे ए और बी अभी रिएक्ट नहीं किया है, ए और बी जो हमारा रिएक्टिंग मॉलिक्यूल है रिएक्टेंट है वो, उसके बीच में अभी रिएक्शन नहीं हुआ है, जस्ट उसके मॉलिक्यूल्स जो है कैटलिस्ट के सरफेस पे आके एड्सॉर्ब हुआ है। थर्ड स्टेप में क्या होता है कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में आपस में क्या होता है, एक रिएक्शन होता है और वो कैटलिस्ट के सरफेस पे ही हो रहा होता है, ठीक है। तो वहां पे वो इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन, और फाइनल स्टेप में फोर्थ स्टेप में क्या है कि ए और बी, जो ए और बी के बीच में रिएक्शन हुआ और उससे ए प्लस बी जो है वो प्रोडक्ट क्या बना, ए और बी बना, तो प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स उसके सरफेस से डिसॉर्ब हो गया, डिसॉर्प्शन हो रहा है फोर्थ स्टेप में, और कैटलिस्ट का सरफेस फिर वापस से क्या हो गया, पूरी तरह से फ्री हो गया, है ना, पूरी तरह से फ्री हो गया। हाँ, फ्री हो गया मतलब जितना हम लोग इनिशियली लिए थे उतना ही कैटलिस्ट बच गया, ऐसा इसलिए हम लोग बोलते हैं कि कैटलिस्ट जो है वो रिएक्शन में, ऐसा नहीं है कि पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है बट वो कंज्यूम नहीं होता है, ठीक है। मतलब जितना इनिशियली लिए थे हम लोग वापस से उतना ही रिकवर हो जाएगा, उसका अमाउंट उतना ही रहेगा। सही सर, ए माइनस बी के ऊपर, ए माइनस बी नहीं है, ए बी है, जैसे ये रिएक्शन हुआ है ना, ए प्लस बी ये रिएक्शन होके ये प्रोडक्ट बना है ए बी, ठीक है, ये दोनों रिएक्टेंट्स हैं और ये प्रोडक्ट बना है, ए बी जो है ए और बी के बीच में रिएक्शन होने से ए बी प्रोडक्ट बना है, ठीक है, क्लियर है ना? हेलो, ठीक है,
तो ये है एडसॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेटरोजेनियस कैटालिसिस, ये ध्यान रखना बस। तो कैटलिस्ट में एक्चुअली ठीक है देख लो, कोई डाउट है क्या इसमें किसी को यहां तक? हेलो, चलो ठीक है आज इतना ही रहने देते हैं, ठीक है बाकी आगे हम लोग इसमें नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, पूरा थियोरेटिकल चैप्टर ही है तो धीरे धीरे करते हैं, ठीक है आगे नेक्स्ट क्लास में करते हैं हम लोग। कोई डाउट नहीं है ना इसमें किसी को, बताओ बोलो। नहीं सर। ठीक है फिर चलो नेक्स्ट क्लास में करते हैं आगे, ठीक है एंड कर रहा हूं।